गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेट्रो सिटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक आपका रहेगा पाइल कैप। पाइल कैप क्या होती है और क्यों बनाई जाती है पाइल कैप, इसका महत्व क्या है स्ट्रक्चर में, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि यह जो कंक्रीट एक ब्लॉक उठ रहा है बहुत बड़ा सा, यह क्या है और क्यों निकाला गया और कहां से आया। दोस्तों, जो है जो पाइल जो हमने कर रखी है उसी में से एक कट ऑफ लेवल निर्धारित किया जाता है। उस लेवल को ऊपर का हिस्सा अपना काट करके उसको बाहर निकाला जाता है और PCC लेवल से 50 mm ऊपर दोस्तों कट ऑफ लेवल होता है। उसी कट ऑफ लेवल पर आपका सारा जाल बंधता है। अब दोस्तों, ये जाल बांधने की प्रक्रिया भी हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं। भलीपूर्वक आप देखेगा, पूरे समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप देखिए, दोस्तों ये सरिया जो है हमने नीचे लेंग कर दिया है। अब ये सरिया मोस्टली जो है ये 6 पाइल के ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये 6 पाइल से इससे नीचे PCC है, क्योंकि PCC से ऊपर जो है 50 mm आपका ये हमने कट ऑफ लेवल रखा है। इस कट ऑफ लेवल पर ही यह पूरा जाल रेस्ट होता है, इसलिए जो है एक पूरे पाइल कैप का लोड जो है इन 6 पाइलों के ऊपर आएगा। दोस्तों मतलब पूरे स्ट्रक्चर का लोड जो है पाइल कैप पे जाता है, पाइल कैप का लोड जो है ये 6 पाइलों के ऊपर में जाता है। इस तरह से ज़मीन के अंदर में पूरा लोड को डाइवर्ट किया जाता है, इक्वल डाइवर्ट किया जाता है, जो कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम कभी ना आए। दोस्तों भली भांति आप वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट एरो के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। दोस्तों ये 6 पाइल हैं जिनमें सरिया अभी खड़ा किया गया है। पूरे पाइल कैप का लोड इन 6 पाइलों के ऊपर आएगा और इसी को ही दोस्तों पाइल कैप बोलते हैं, क्योंकि नीचे पाइल होती है उसके ऊपर में जो कैप बनता है वो पाइल कैप होता है। दोस्तों इसी का नाम आपका पाइल कैप कहा जाता है। अभी देखिए दोस्तों, ये पाइल कैप का सरिया जो है किस तरह से बांधते हैं, ये अभी हमने आपको दिखा दिया, और इसका कैसे डाइवर्ट लोड डाइवर्ट होता है इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब ये इसका टॉप जाल हम दिखा रहे हैं। दोस्तों ये टॉप जाल हम अभी बांध रहे हैं। अब दोस्तों ये पूरा पाइल कैप अब कंप्लीट हो गया है। अगला दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कंक्रीट का। अब कंक्रीट किस तरह से होता है उसके बारे में भी हमने कहा आपको दिखा दें। दोस्तों देखिए, ये गाड़ी आ गई है, ये मिलर आ गया है, कंक्रीट टेम बोलते हैं जो ये आगे अभी जिसमें यह कंक्रीट अभी गिराया जा रहा है, यह कंक्रीट पंप होता है या बूम प्रेशर इसको बोलते हैं, क्योंकि जो है ये प्रेशर के द्वारा पूरा कंक्रीट आगे डिस्पैच करता है। ये देखिए दोस्तों किस तरह से पूरा पंप हमने आपको दिखा दिया है। जो भी साथी नए हैं उन्हें सीखने का बहुत बढ़िया मौका है। अभी जो साथी कॉलेज से अभी निकल रहे हैं वो देख सकते हैं किस तरह से पाइल कैप का एक कंक्रीट होता है। देखिए दोस्तों, पाइल कैप बहुत बढ़िया तरीके से अभी बांधी गई है, बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ, और जो है इसका कंक्रीट अभी किस तरह से हो रहा है ये आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ठीक है ये बूम प्रेशर आता है तो इसमें जो है एक दो आदमी आपके देखिए बूम पकड़ने के लिए चाहिए होता है, बूम प्रेशर उसके बूम को, और ज़्यादा आदमी कंक्रीट उसमें जो है निडिल मारने के लिए। दोस्तों यह बीच में तो सरिया खड़ा है, यह पियर का सरिया खड़ा है, और हम एक एक अपडेट दोस्तों आपको देते जाते हैं। अगले उसमें पूरा वीडियोग्राफी के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कैसे पाइल कैप स्टार्ट की जाती है वह पूरा दृश्य आपको दिखाऊंगा। इसमें मैंने पूरी वीडियो अभी शॉर्टकट में दिखा रखी है आपको, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए दोस्तों यह वीडियो का एक पार्ट आज मैंने कंक्रीट ऊपर आपको दिखा दिया, कंक्रीट किस तरह से होता है। अभी पियर के बीचों बीच में हम डाल रहे हैं दोस्तों कंक्रीट। ये देखो दोस्तों, पियर के बीचों बीच में भी एक आदमी हमारा चले गया है, यह वहाँ भी प्रॉपर ढंग से इसमें जो है निडिल और वाइब्रेटर करेगा। अगला दृश्य आपको दोस्तों पूरे पाइल कैप का हमने दिखा दिया, ये पूरा पियर भी दिखा दिया। इस तरह से ये कंक्रीट की एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। उस पाइल कैप का टॉप का सरिया आपने देखा होगा, उसका डाया अलग था, 25 और 32 mm था, यहाँ डाया कम हो गया, सिर्फ 12 mm का हो गया। दोस्तों देखो टॉप का सरिया, ये एज फॉर डिज़ाइन और एज फॉर
स्ट्रक्चर के लोड के अनुसार पाइल कैप का सरिया निर्धारित किया जाता है। इसमें दोस्तों एज फॉर ड्राइंग आपको जैसे दिया जाएगा उसी तरह से आपको ठीक है ये काम करवाना है साइट पर जाके। इसलिए हमने जो है अलग अलग तरह के पाइल कैप जो है अभी आपको दिखाया, अलग अलग डाया की पाइल कैप आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ डाया आपका 25 mm था, यहाँ डाया आपका 12 mm आ गया, डिफरेंस हो गया दोस्तों टॉप लेयर में। क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको जो है कई तरह की आपको पाइल कैपें मिलेंगी, एज फॉर ड्राइंग्स आपको जो भी दिया होगा उसी के अनुसार आपको काम कराना है। इसमें दोस्तों डिफरेंट टाइप का आपका सरिया होता है, तो आपको जो ड्राइंग की एसटीडी अच्छे से करनी है। और दोस्तों अभी पाइल कैप का कार्य जो आप फिनिश होने वाला है, कंक्रीट जो है पूरा होने वाला है, इसके बाद मिस्त्री ने इसको पूरा फिनिशिंग भी अच्छी तरह से कर दिया है। अगले वीडियो में हम आपको पूरा पाइल कैप स्टार्टिंग से बताएंगे, उसमें एक एक पॉइंट आपको दिखाएंगे बाई वीडियो के द्वारा। इस वीडियो में हमने पूरा सिग्नल वाइज आपको बताया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।